समय आ गया है फसल के कटने का, और अब फसल के कटने के बाद रह जाएगी नरवाई। जी हाँ, पराली या नरवाई, इसको ये कभी भी जलाने की चीज नहीं है, ये तो सिर्फ गलाने की चीज है दोस्तों। तो इस विषय में आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में प्रायः लोग इस नरवाई को जला दिया करते हैं, और जलाते हैं तो उन्हें ये ज्ञान नहीं होता है कि वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं और इसमें उनका कितना नुकसान हो जाता है दोस्तों। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन चार कैप्सूल की जो कि पूसा संस्थान के द्वारा बनाए गए हैं, और उन चार कैप्सूल से आप अपनी जो नरवाई है और या पराली है उससे आप उसको आप गलाने का काम, अच्छी खाद बनाने का काम कर सकते हैं। तो पूसा संस्थान द्वारा जो चार कैप्सूल बनाए गए हैं वो उसमें 1 हेक्टेयर के लिए वो उसकी पराली को गलाने के लिए और उसको खाद बनाने के लिए काफ़ी है दोस्तों। तो पूसा संस्थान द्वारा जो बनाया गया है वो मैंने बताया कि आपको 1 हेक्टेयर के लिए 4 कैप्सूल काफ़ी। अब हमें इसको बनाना कैसे, हालांकि ये विधि भी बहुत सरल है, इस विषय में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमको लगभग 5 लीटर पानी को गर्म करना है, और इस गर्म करने करने के साथ साथ हमको इसमें जो है गुड़ डाल देना है। लगभग 100 ग्राम गुड़ उसमें डालना है, और 100 ग्राम उसमें गुड़ डाल करके जब वो पूरी तरह अच्छे से मिल जाए तो उसको जो है हमको फिर ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद फिर हमको इसमें 50 ग्राम बेसन डालना है। उसको भी अच्छा सा घोल बना करके ठंडा होने के बाद उसमें बेसन हमें मिलाना है, और फिर उसको उसका जब अच्छा सा घोल बन जाए तो उसको अच्छी तरीके से मिला करके लकड़ी के टुकड़े से, और आप किसी खुले बर्तन में रख दें, मतलब जिसका चौड़ा मुंह हो उस बर्तन में रख दें और उसको ढक के रख दें। कम से कम आप 1 हफ्ते के लिए इसको ढक के रख देंगे तो आपका ये डिकम्पोजर निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली बन जाएगा। अब इस 5 लीटर को हमको 25 लीटर में यदि बदलना है तो हमको फिर यही करना पड़ेगा कि 5-5 लीटर के जो हमको पानी है उसमें 100-100 ग्राम गुड़ मिला करके और ठंडा करके, फिर उसमें 50 ग्राम बेसन मिला करके, और हमको इसमें जो जो 5 लीटर हमारा डिकम्पोजर बना है जी 4 कैप्सूल से, चूंकि इन 4 कैप्सूल को हमको ठंडा, जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 लीटर पानी हमने गर्म किया, गुड़ उसमें डाला, गुड़ अच्छे से हमने मिलाया, उसके बाद हमको ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद फिर उसको हमको अच्छी तरीके से बेसन भी मिलाना है, और बेसन के बाद हमको फिर ये 4 कैप्सूल खोल करके उसमें अच्छे से मिला देना है। तो इसी प्रकार अब ये कैप्सूल तो आप पे होंगे नहीं, तो ये 5 लीटर में से 1 लीटर, उस 5 लीटर में, जैसा कि आपको 5 लीटर का 25 लीटर करना है, क्योंकि 25 लीटर करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि 1 हेक्टेयर के लिए 25 लीटर में आपको ये करना होगा, क्योंकि उसी के बाद आप स्प्रे कर पाएंगे। तो 25 लीटर का ये घोल आपको तैयार करना होगा, तो आप इसमें 1-1 लीटर का ऐसे 5 लीटर के पचम 25 लीटर उसमें हो जाएगा, और जब ये 25 लीटर हो जाएगा तो आपके 1 हेक्टेयर के लिए ये पर्याप्त होता है। चूंकि ये पूसा संस्थान ने निकाला है, और इसके विषय में हम आपको ये भी बता देंगे कि कौन से एड्रेस से आप इसको मंगा सकते हैं, और अमेजोन पे भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपको हर तरीके से ये अवेलेबल हो जाएगा, होम डिलीवरी आपकी हो जाएगी, आप वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको एक मैं आपको टोल फ्री नंबर भी आपको बताऊंगा कि आप किस इस नंबर पे आप डायल करके इसके विषय में अच्छी जानकारी ले सकते हैं और इसे मंगा सकते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जब हम नरवाई जलाते हैं तो हम नाइट्रोजन उसके साथ जला देते हैं, हम फास्फोरस जला देते हैं, कई जो है जैविक पदार्थ भी जला देते हैं, और मिट्टी के साथ जो लाभदायक हमारे जीवाणु होते हैं वो भी उस आग में जल जाते हैं दोस्तों, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो प्लीज़ मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस फसल को कटने के बाद कभी जलाएं ना, और ये जो 4 कैप्सूल आप मंगाएंगे, इन 4 कैप्सूल से आजकल आप अगर ऑनलाइन मंगाएंगे तो डिब्बी में भी आपको एक सॉल्यूशन आता है, वही 4 कैप्सूल के जैसा ही रहता है, सब अलग अलग फॉर्म में आने लगा है, समय के साथ साथ ये सब बदल रहा है। तो वो एक डिब्बी आएगी, उस डिब्बी में भी आप उसका यही सेम प्रोसेस कर सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन आपको ये डीकम्पोजर का उपयोग करना ज़रूर है, और जितनी जल्दी आप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो यदि फसल आपकी कटने वाली है तो आप अभी से उसको ऑर्डर करें, क्योंकि लगभग 1 हफ्ता आपको उसको आने में लगेगा और लगभग 1 हफ्ता आपको उसको बनाने में लगेगा। तो लगभग आप 15 दिन, जैसे हमारी फसल को 15 दिन बाकी हैं लगभग लगभग, तो हम 15 दिन पहले, मतलब मैंने आज उसको ऑर्डर कर दिया है और लगभग 15 दिन बाद वो आ जाएगा, तो मैं उसको बिल्कुल कंप्लीट कर लूँगा। जैसे ही मेरी फसल कटेगी वैसे ही मैं उसमें भूसा बनवा करके, जैसे ये गेहूं की फसल कटेगी, गेहूं की फसल का जो भूसा बनता है नेक्स्ट डे उसको भूसा बनवा के, और उसके नेक्स्ट डे मैं इसका छिड़काव कर दूंगा दोस्तों। तो इसी प्रकार आप भी
छिड़काव करें, हमारी जो भूमि है, हमारी मिट्टी है, उसका जो गुणवत्ता है उसको आप अधिक से अधिक बढ़ाएं और ये डीकम्पोजर का उपयोग जरूर करें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लोग कम करते हैं। तो मैंने लगभग 8 डिब्बी मंगाई हैं और 8 उसकी डिब्बियों से मैं अपने आसपास के किसानों को भी ये वितरित करूंगा और ये बनाने की विधि बताऊंगा और उन्हें जागरूक करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल, मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।